तो दोस्तों आईपीएल 2024 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 प्लेयर्स के बारे में जो कि सबसे महंगे बिके आईपीएल 2024 के ऑक्शन में, किसे सबसे ज्यादा करोड़ मिले। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जो नंबर 10 के प्लेयर आते हैं वो है रोमन पावेल। बहुत बढ़िया बैट्समैन है, पावर हिटर है और इनकी जो जरूरत थी वो राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको एक पावर हिटर चाहिए था और उसी की वजह से इनको 7.14 करोड़ आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मिले। इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में ले लिया। बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है और मेरे हिसाब से इनको जो 7.14 करोड़ मिले हैं वो बहुत बढ़िया है। इनके हिसाब से जो है इनको अच्छे करोड़ मिले हैं आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। दोस्तों नंबर 9 प्लेयर की हम बात कर लेते हैं जो कि है शाहरुख खान, इंडियन बैट्समैन, वो भी साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और काफी सारे टीम्स को जो है शाहरुख खान की जरूरत थी और उसी की वजह से 7.40 करोड़ इनको भी आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मिले। गुजरात टाइटंस ने इनको अपनी टीम में लिया। बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, इससे भी ज्यादा भी करोड़ मिल सकते थे लेकिन फिर भी इतने पे जो है इनको गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। लास्ट बिड इनकी जो है 7.40 करोड़ हो गई। नेक्स्ट प्लेयर की हम बात कर लेते हैं जो कि है नंबर 8 पे आते हैं रायली रूसो। पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों टीमों को जो है मतलब दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रिलीज किया था, वो भी इनके पीछे बहुत ही ज्यादा बीड लगा रहे थे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। और पंजाब किंग्स जो है वो तो सबसे ज्यादा इनके पीछे बीड लगा रहे थे। पंजाब किंग्स को जो है एक जरूरत थी मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बैकअप के तौर पर। वैसे तो इनके पास बहुत सारे बैट्समैन मौजूद है लेकिन फिर भी एक अच्छा बैट्समैन इनको चाहिए था जो कि पावर हिटर हो और उसी की वजह से पंजाब किंग्स ने रायली रूसो को अपनी टीम में लिया 8 करोड़ देके। नंबर 7 प्लेयर की मैं बात कर लेता हूँ जो कि है समीर रिजवी। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इन्होंने जो है डोमेस्टिक लीग में बहुत बढ़िया अपना फॉर्म दिखाया और उसी की वजह से जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में लिया आईपीएल 2024 के लिए। और अगर मैं आपको बता दूं कि इनको जो है कितने करोड़ मिले तो इनको जो है 8.40 करोड़ मिले जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से होते हैं। एंड यंगस्टर है फिर भी इनको इतने ज्यादा करोड़ मिले तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ये प्लेयर होंगे, तभी तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है इनकी क्वालिटी देखी इनको अपनी टीम में लिया। अब देखते हैं आने वाले समय में कितना अच्छा फॉर्म दिखाते हैं अपना। नेक्स्ट प्लेयर की हम बात कर लेते हैं जो कि है स्पेंसर जॉनसन। ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, नंबर 6 पे इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको 10 करोड़ मिले हैं आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा। अब असल में गुजरात टाइटंस को एक ओवरसीज फास्टर बॉलर की जरूरत थी और मेरे हिसाब से ये तो मिचेल स्टार्क के लिए 24 करोड़ तक भी गए थे लेकिन इनको वो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है स्पेंसर जॉनसन जैसे बॉलर को खरीद लिया। ऑस्ट्रेलिया के अभी तक इन्होंने जो इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेले हैं लेकिन बीबीएल में जो है इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया बिग बैश लीग में और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको खरीदा गया। अब देखते हैं आने वाले समय में कितना अच्छा फॉर्म दिखाते हैं लेकिन इनको आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 10 करोड़ मिले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 5 प्लेयर की। अब आरसीबी को जो है बहुत अच्छे फास्टर गेंदबाज खरीदने थे और उन्होंने जो है 11.50 करोड़ में जो है आईपीएल 2024 के ऑक्शन में अल्जारी जोसेफ को लिया, जो कि 5वें प्लेयर बने जो कि सबसे महंगे बिके आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे जिनको आरसीबी टारगेट कर सकती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस को भी आरसीबी अपनी टीम में ले लेगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्होंने अल्जारी जोसेफ को जो है 11 करोड़ दिए और अपनी टीम में ले लिया। अब देखते हैं आने वाले समय में अल्जारी जोसेफ किस तरीके से अपना फॉर्म दिखाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं इंडियन फास्टर बॉलर यानी कि हर्षल पटेल। 11.75 करोड़ देके हर्षल पटेल को अपनी टीम में लिया पंजाब किंग्स ने और ये इंडिया के ही फास्टर बॉलर है तो ओवरसीज प्लेयर भी नहीं है, ये इंडियन बॉलर है और मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स को जरूरत भी थी एक अच्छे फास्टर बॉलर की जो कि इंडियन हो। उसी की वजह से ये हर्षल पटेल के पीछे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में गए और इन पे जो है ज्यादा बीड भी लगी और 11.75 करोड़ में जो है पंजाब किंग्स ने इनको खरीद लिया और ये 4थे प्लेयर बने जो कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिके। दोस्तों अब हम टॉप 3 की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चलिए अब टॉप 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आते हैं डेरल मिचेल। 14 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स ने दिए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से जो ये फॉर्म भी दिखाएंगे अपना आईपीएल 2024 में, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखाया था अपना और मिडल ऑर्डर में ये बैटिंग करते हैं, किसी भी नंबर पे आप इन्हें खिला लीजिए बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं। और मेरे हिसाब से ना चेन्नई सुपर किंग्स को एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत थी तो उसी की वजह से फिर इनको खरीद लिया गया और प्लस ये थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं और
ऑलराउंडर बहुत बढ़िया ढूंढती है चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा ही, तो उसी की वजह से मेरे हिसाब से इनको जो है आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ देकर ले लिया अपनी टीम में। अब हम बढ़ते हैं नंबर टू की ओर। नंबर टू पे आते हैं पैट कमिंस, बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, और मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद ने अगर इनको लिया है तो वो कैप्टन भी करने वाले है, क्योंकि इस कैप्टन ने वर्ल्ड कप जीता है, पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया को, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने एक अच्छा फास्टर बॉलर नहीं लिया है, उन्होंने एक अच्छा कैप्टन लिया है। उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 20.50 करोड़ इन पे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में लगे और सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें अपनी टीम में किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इनको ले लेगी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड सनराइजर्स हैदराबाद ये दो ही टीमें ऐसी थी जो कि इनके पीछे बहुत ही ज्यादा चली गई थी, भीड़ बहुत ही ज्यादा लगा रही थी इन पे, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरकार इनको ले ही लिया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नंबर वन प्लेयर की, जो कि है मिचेल स्टार्क। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, मुझे ऐसा लगता है कि 2015 में इन्होंने लास्ट आईपीएल मैच खेला था अपना, लेकिन फिर भी इन पे जो है आईपीएल 2024 के ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में, यानी कि अभी तक जितने भी ऑक्शन हुए सबसे महंगे प्लेयर जो है मिचेल स्टार्क बने हैं आईपीएल के इतिहास में, क्योंकि इनको जो है 24.75 करोड़ आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मिले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स एंड गुजरात टाइटंस इनके पीछे बहुत ही ज्यादा भाग रही थी, इन पे जो है ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगा रही थी, लेकिन आखिरकार इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में ले लिया और आईपीएल 2024 में हमें मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से देखने को मिलने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये अच्छे फास्टिंग बॉलिंग भी करने वाले हैं, देखते आने वाले समय में क्या होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स ऐसे भी है इसमें से जिनको इतने ज्यादा करोड़ नहीं मिलने चाहिए थे, कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।